बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की आन बान और शान रजनीकांत आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मौजूदा दौर में भी रजनीकांत के स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। रजनीकांत के स्टाइल और डायलॉगबाजी इस कदर फिल्मों में फेमस हैं कि उनके नाम से फिल्में हिट हो जाया करती हैं। और शुरू से लेकर आज तक रजनीकांत को लेकर ऐसा स्टारडम हमें देखने को मिला, चाहे 80 का दौर हो या 90 का या मौजूदा हालात, रजनीकांत के स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। यहाँ तक कि साउथ की फिल्में नहीं बल्कि बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में रजनीकांत के अभिनय को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और उनके स्टारडम के आगे बड़े से बड़ा स्टार फीका नजर आता है। लेकिन रजनीकांत की जिंदगी से जुड़े कई सारे से दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं, और इसी कड़ी में हम आपको रजनीकांत और बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं कि एक बार ऐसा भी समय आया जब रजनीकांत के लिए श्रीदेवी ने 7 दिनों का व्रत रखा था, और इसके पीछे का जो कारण है वो वाकई दिलचस्प है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्रीदेवी बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने न सिर्फ इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई बल्कि साउथ सिनेमा में भी उनका जादू छाया। भले ही श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत साउथ इंडियन फिल्मों से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान बॉलीवुड सिनेमा से मिली। लेकिन जब वो साउथ फिल्म में डेब्यू कर रही थी तो उनकी पहली फिल्म में उन्होंने साउथ के भगवान कहे जाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम किया था। इस फिल्म का नाम मोंदू मोदूची नाम था। इस फिल्म के दौरान श्रीदेवी सिर्फ 13 साल की थी, और 13 साल की उम्र में साउथ के लेजेंड अभिनेता रजनीकांत के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला था। बताया जाता है इसके बाद श्रीदेवी और रजनीकांत ने एक साथ करीब 25 फिल्मों में काम किया। इनमें से अधिकतर फिल्में कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल भाषा में थी। हालांकि इसके बाद दोनों की जोड़ी इतना ज्यादा हिट हो गई कि दोनों ने मिलकर कई सारी हिंदी फिल्मों में काम भी किया। अब जाहिर सी बात, इतने सारी फिल्मों में काम करने के बाद श्रीदेवी और रजनीकांत के बीच में गहरी दोस्ती हो गई थी, और ये दोनों अभिनेता अभिनेत्री एक दूसरे की बहुत ज्यादा इज्जत भी करते थे। लेकिन एक बार एक इंटरव्यू के दौरान रजनीकांत ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया था। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में खुद रजनीकांत ने बताया था कि जब वो साल 2011 में अपनी फिल्म राणा की शूटिंग कर रहे थे तो उस दौरान उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इलाज के लिए उन्हें भारत से सिंगापुर ले जाना पड़ा था। लेकिन जब इस बारे में श्रीदेवी को पता चला तो उन्होंने शिरडी जाने का तय कर लिया। उन्होंने शिरडी के साईं बाबा से प्रार्थना की और 1 हफ्ते यानी पूरे 7 दिन के व्रत रखे थे ताकि रजनीकांत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इलाज के बाद जब रजनीकांत स्वस्थ होकर भारत आए तो सबसे पहले उनसे मिलने के लिए श्रीदेवी अपने पति के साथ पहुंची थी। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि श्रीदेवी रजनीकांत की इतना ज्यादा इज्जत करती हैं कि उनकी खराब सेहत के लिए पूरे 7 दिनों का उन्होंने व्रत रखा था। इसी के साथ ही अगर इन दोनों कलाकारों की बात करें तो श्रीदेवी आज हमारे बीच में नहीं है। 24 फरवरी 2018 को दुबई में उनका देहांत हो गया। इसके साथ ही रजनीकांत की बात करें तो रजनीकांत की आखिरी फिल्म दरबार रिलीज हुई थी, जिसे बड़े पर्दे पर लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, और आने वाले समय में रजनीकांत कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं।